2021 ग्वाटेमाला सिटी वर्ल्ड कप विनर। 2021 पेरिस वर्ल्ड कप में मिक्स्ड टीम गोल्ड। एशियन ग्रां प्री में टीम गोल्ड विजेता। 2019 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप मेडलिस्ट। ओलंपिक्स में टीम इंडिया के शाइनिंग स्टार। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी कथन को अपने गर्व से सच कर दिखाने वालों में अतनु दास का नाम अग्रणी है। कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अतनु दास ने 2011 यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल से अपनी विनिंग स्ट्रीक की शुरुआत की। रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एक लौते आर्चर रहे अतनु क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाते बनाते चूक गए, लेकिन भारत सरकार के सहयोग और सुविधाओं के साथ उन्होंने 2021 में एक बार फिर से टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था ये फैसिलिटीज काफी सारा देना। अभी हम पूरी तरह से बोल सकते हैं कि एकदम तैयार है और किसी भी चीज में हम लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा क्रेडिट जो है साई को ही जाता है एक्चुअली। सो साई नहीं होता तो शायद हमारा गेम पता नहीं क्या होता है। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्मठ और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी अतनु दास हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक की आशा।